आपने देखा, जैसे अभी हमने एक पेशेंट को हमारे ट्रीटमेंट किया, दिस इज़ नॉट अनयूजुअल। मेरे प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत बच्चियों को देखता हूँ, एज 12, 13, 14 के, उनको सिवियर हिर्सुटिज्म या चेहरे पे सिवियर बाल होते हैं। आजकल ऐसे केसेस बहुत कॉमनली आ रहे हैं। दे पार्टली कुछ लोग, बच्चियों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके पीरियड्स में मसला होता है या उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको चेहरे पे बाल आते हैं। बहुत सारे बच्चियों को डाइटरी रीज़न की वजह से भी ऐसे बाल आ रहे हैं और उनके पीरियड्स भी एबनॉर्मल हो रहे हैं, पार्शली बिकॉज़ के जो ग़ज़ाएँ हैं या जो खुराक है उनमें हॉर्मोन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अगेन, ऐसी बच्चियों का इलाज हम सिर्फ लेज़र से ही नहीं करते, इनके हम ब्लड टेस्ट करते हैं, इनके हम इनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनके अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं और साथ साथ इनको हम ओरल मेडिकेशन, ओरल गोलियां भी देते हैं लेज़र के साथ। रिजल्ट्स कंपेरेबल 80-90% क्लियरेंस हो जाती है ऐसे बच्चियों में चेहरे के बालों की। पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इनके इनको हम लेज़र के साथ साथ ओरल मेडिकेशन ज़रूर दें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ वो ये भी है कि आप रेगुलर सन क्रीम ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जब आप लेज़र ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं तो आपका चेहरा जो है वो लाइट को बहुत सेंसिटिव हो जाता है और लाइट से आपके चेहरे के ऊपर जो है ना, तो मार्क्स और निशानात आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम बहुत इम्पॉर्टेंटली आपको ये कहते हैं कि आप लेज़र के साथ साथ सन क्रीम ज़रूर यूज़ किया करें। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं लेज़र के, वो इम्पॉर्टेंट ये हैं कि जब आप लेज़र शुरू करें तो आप वैक्स, थ्रेड या ब्लीच ना करें अपने बाल, अपने क्योंकि हम बालों के रूट्स को ट्रीट करते हैं और हम बालों में जो कलर होता है उसको ट्रीट करते हैं। जब ब्लीच करते हैं आप बालों से कलर गायब हो जाता है, और लेज़र जो है तो वो कलर्ड बालों के ऊपर अच्छा इफेक्ट करता है। जब आप थ्रेड करते हैं या वैक्स करते हैं तो बालों के रूट्स निकल आते हैं। अगेन, जब बालों के रूट्स निकल जाते हैं तो लेज़र जो है वो उसको ट्रीट करने के लिए कोई कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को ये ज़रूर एडवाइस करते हैं कि जब आप लेज़र शुरू करें तो उसके दरमियान आप बाल या तो ट्रिम करें या आप शेव करें ताकि आपके रूट्स अपनी जगह पर रहें। और साथ साथ जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आप ज़रूर सन क्रीम यूज़ किया करें। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जब आप अपने लेज़र्स के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए आएँ तो उस ट्रीटमेंट पे आने से पहले अपनी नर्स को या अपने प्रैक्टिशनर को जो आपको ट्रीट कर रहे हैं उनको आप बताएं कि आप ने सन क्रीम लगाए हुए, तो ताकि वो आपके चेहरे से सन क्रीम हटा दें। कुछ इस तरह मेडिकेशंस हैं जिसके साथ हम यूजुअली प्रिकॉशियसली आपको लेज़र करते हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन है वो है आइसोट्रेटिनोइन, जो हम एक्ने के लिए यूज़ करते हैं, या अगर आपको एपिलेप्सी है और आप एपिलेप्सी की मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर्स को, अपने प्रैक्टिशनर्स को ज़रूर ये बताएं कि आप ऐसी मेडिकेशन के ऊपर हैं, ताकि वो अपनी लाइट की इंटेंसिटी या अपनी लाइट की जो पावर है वो आपकी स्किन के ऊपर कम यूज़ करें, ताकि आपके चेहरे के ऊपर निशानात या धब्बे ना पड़े। तो नाज़रीन, इसके साथ आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपने कुछ पूछना हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर, हमारा ईमेल, हमारा वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे नाम को गूगल सर्च में डाल के डॉक्टर काशिफ एस्थेटिक स्टूडियो लिख के आप हमारे क्लिनिक की डायरेक्शंस, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमारे सोशल मीडिया के पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं और हमें लाइव मैसेजेस कर सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हम आपको एक दिन के अंदर अंदर आपके मैसेजेस के जवाब दें, और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके सिलसिले में हम आपको कांटेक्ट भी करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ मैसेजेस प्रोवाइड करें। बहुत सारे लोग हमसे गिला करते हैं कि हमने क्वेश्चन पूछा पर हमें वो आंसर नहीं मिला, तो प्लीज़ बेयर दैट इन माइंड कि
बहुत सारे टाइम हमारे सोशल मीडिया की जो टीम है वो हमारे वेबसाइट्स को मॉनिटर और आंसर कर रही होती है। जब उनको कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलता है वो तभी मुझसे रुजू करते हैं, और एंड दे कैन नॉट गिव यू एन एडवाइस, वो आपको वो मेडिकल एडवाइस नहीं दे सकते जो एक डॉक्टर आपको डायरेक्ट फेस टू फेस देता है। लिहाजा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे ईमेल पे डायरेक्ट मुझे ईमेल कर सकते हैं और हमें डायरेक्ट मैसेज करें। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट सोल्यूशन और बेस्ट रेजोल्यूशन आपको दें। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, और कीप ट्यून्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।